सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर नेचुरल रिसोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाउ इज आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर से कैसे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट कॉजेज विंड्स, मतलब विंड्स कैसे बनती हैं। और क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें तो व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ होगा रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, ठीक है, यहाँ पे और की जगह ऑफ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाई इज द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी एटमॉस्फेयर क्यों एसेंशियल है लाइफ के लिए। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट कॉजेज एसिड रेन, मतलब एसिड रेन के कॉजेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन द कोस्टल एरिया विंड करंट मूव्स फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग डे बट ड्यूरिंग नाइट इट मूव्स फ्रॉम द लैंड टू द सी, डिस्कस द रीजन। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जब कोस्टल एरिया होता है तो जो विंड होती है वो सी से लैंड की तरफ जाती है दिन में, लेकिन लैंड से सी की तरफ जाती है रात में, तो ऐसा क्यों है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बुक में मिल जाएगा, बहुत ही छोटा सा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट्स इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, या फिर व्हाट कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन आता है किसी भी टाइप से सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग ध्यान से पढ़ लेना। सो ये तो हो गया क्लास 9th के बायो का एक चैप्टर, लेकिन क्लास 9th बायो के बाकी चैप्टर्स और क्लास 9th के बाकी के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चैनल पे पड़ी है, वहाँ जाकर देख लो। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है या फिर किसी और चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो ये इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आके मैसेज कर लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी।